एस्पिरेंट कॉलेज से मैं नीता मिश्रा कक्षा 9, 10 और 12 के विद्यार्थियों को व्याकरण का समास आपको पढ़ा रही हूँ। समास क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। जब हम किसी बात को बहुत संक्षिप्त करके शब्दों को, दो शब्दों को जोड़ देते हैं, तब वो समस्त पद बन जाता है। तो समास क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। यानी किसी भी दो चीज़ों को, दो बातों को जब हम एक शब्द के द्वारा व्यक्त करते हैं तो वो समस्त पद बन जाता है। जब हम उनको अलग करते हैं तो ये विग्रह हो जाता है, तो ये समास विग्रह कहलाता है। समास के प्रकार कितने होते हैं? समास के प्रकार होते हैं 6। समास के प्रकार कौन कौन से 6 होते हैं? नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 द्विगु समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 कर्मधारय समास, नंबर 5 तत्पुरुष समास और नंबर 6 आपका आ जाता है न समास। देखिए हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। इसमें अभी आपको इसमें हम आपको एक और बताएंगे, बहुव्रीहि समास। छठा आपका आ जाता है बहुव्रीहि समास, जो हम बोर्ड में नहीं आता था क्योंकि हम लिखे दे रहे हैं बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब इससे ये हो गए 6 भेद। ये 6 भेद इसके हो गए हैं। पहला क्या है? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में अगर हम उसको छोटे शब्दों में समझें या हम उसकी संस्कृत की परिभाषा कह लें इसको, लेकिन ये पढ़ना आसान है, पूर्व प्रधानो अव्ययी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहला पद प्रधान होता है वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। पहला पद यानी दो पद होते हैं, जब शब्द होते हैं दो शब्दों को जब हम लिखते हैं तो वो दो पद हो जाते हैं। तो ये पद क्या है? यथाशक्ति। यथाशक्ति में क्या है? पहला पद अव्ययी है यानी शक्ति के अनुसार। जैसे आपको अक्सर होता है कि घरों में लोग चंदा लेने आते हैं तो बोलते हैं यथाशक्ति दक्षिणा को चंदा दीजिए। तो यथाशक्ति दक्षिणा देने का मतलब क्या है? ये आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आपको देना ही है। आप कितना दे रहे हो या आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दे रहे हैं, यथा सामर्थ्यम। तो इस तरीके से यथा शब्द जो है अव्ययी हो गया है। और इसी में दूसरा है अनुरूप, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार यानी जिसका जैसा रूप है उसके अनुसार उसके व्यक्तित्व या जो भी बात आगे उसमें हो वाक्य के अनुसार लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? अनुरूपम। अनुरूपम का मतलब क्या? रूप के अनुरूप। उपगंगम, उपगंगम का मतलब हो गया आपको गंगा के समीप। यानी ये जो है, ये पहला पद जो है इसमें ये अव्ययी है। इसी तरीके से प्रतिदिनम, आपसे कहा जाता है प्रतिदिन विद्यालय जाओ। प्रतिदिन विद्यालय जाने का क्या मतलब होता है? प्रतिदिन विद्यालय जाने का मतलब ये होता है कि आपको कोई नागा नहीं करना, हर रोज जाना है, जिस दिन भी विद्यालय खुला है आपको जाना है। तो ये प्रति क्या हो गया? अव्ययी हो गया। आजन, आप जन का मतलब जीवन पर्यंत, जब तक जीवन रहे तब तक कोई भी वाक्य के साथ जुड़ा हो, जैसे जोड़ दीजिए आजन मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। तो आजन मैं प्रतिज्ञाबद्ध यानी जब तक जीवन रहेगा मैं इस प्रतिज्ञा का पालन करती रहूँगी या रहूँगा। इसी तरीके से है अगला भरपेट। भरपेट, अब पेट तो सभी का है, अब भरा हुआ पेट, भरा हुआ पेट यानी पेट के भरा होने की ये बात, ये भर जो शब्द है ये अव्ययी है, ये पेट के भरे होने की बात की जा रही है। जैसे उपगंगम था, गंगा के समीप होने की बात की जा रही है, रूप के अनुरूप की बात की जा रही है, शक्ति के अनुसार बात की जा रही है, दिन के प्रति अव्ययी होने के लिए प्रतिदिन की बात की जा रही है, हर रोज की। तो ये होता है अव्ययीभाव समास। एक बार फिर से समझ लीजिए, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी होता है। अव्ययी का मतलब होता है जहाँ कोई हानि ना हो। तो ये अव्ययी होने के कारण इसका नाम अव्ययीभाव समास पड़ा। उदाहरण हमने अभी आपको बताए हैं। फिर अगला चलते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब होता है समाहार। समाहार मतलब समूह। एक इसका क्या है? क्या है समाहार? एक वचनांत, यानी एक वचन के अंत में इसका समाहार हो जाता है। अब जब एक वचन के शब्द होते हैं तो उनके साथ उनको जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? द्विगु समास का सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है कि इसमें पहला पद जो होता है ये संख्यावाची होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। आप कहीं भी जब दो शब्द हो और उसका पहला शब्द संख्या की ओर संकेत करती हो तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। जैसे त्रिभुवन,
तीनों लोग, त्री लगा है, ये संख्या बची है। इसी तरीके से पंचपात, पंचपात में क्या है, पात्रों का समाहार है, समाहार यानी समूह है, कितने पात्रों का, पंचपात। इसी तरीके से चतुर्युग, युग किस चीज का समाहार है, चार का, चतुर का, चतुर मतलब चार, ये संख्या हो गई। इसी तरीके से आप कह सकते हैं चौराहा, चौराहा भी तो चार रामों का समूह हो जाता है, यानी एक मिलक का। तो पहला शब्द जो होता है ये इसमें संख्यावाची होती है, बस इसको याद रखिएगा कि एक द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। अभी उदाहरण आप समझ गए, त्रिभुवन तीन लोगों का समूह, पंचपात पांच पात्रों का समूह, चतुर्युग चार युगों का समूह। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जिसमें पहला पद संख्यावाची होगा। अब आते हैं द्वंद्व, द्वंद्व माने होता है जुड़ना, जुड़ना आपने सुना होगा द्वंद युद्ध। तो द्वंद युद्ध क्या होता है, जब दो लोग आपस में गुत्था गुत्था करते मिलते हैं तब वो द्वंद होता है। युद्ध तो बहुत सारे होते हैं लेकिन द्वंद युद्ध सारे नहीं होते। द्वंद युद्ध का मतलब जिसके कुश्ती जैसे कह सकते हैं, तो दो लोगों का मिलना होता है। तो यहाँ पर द्वंद का अर्थ क्या हो रहा है, जुड़ना, जैसे माता पिता। अब इसमें कौन से शब्द का लोप होता है, माँ पिता ने और शब्द का लोप हो जाता है, जबकि लोप नहीं पढ़ाना है इसमें बच्चा, लेकिन आपने समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इसमें और शब्द है, और शब्द को हटा करके हमने दो शब्दों को एक साथ लिख दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि दोनों पद जो होते हैं ये प्रधान होते हैं, कोई पद कम महत्वपूर्ण नहीं होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान, माता पिता, माता और पिता, यानी दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों प्रधान है। रात दिन, रात और दिन, पानी पाल, हाथ और पैर, पानी माने होता हाथ, तो हाथ और पैर। तो इस तरीके से ये हो जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को फिर से समझिए, द्वंद्व का अर्थ होता है जुड़ना, जब दो महत्वपूर्ण पद, यानी जो दोनों पद होते हैं वो दोनों महत्वपूर्ण पद होते हैं और एक साथ जुड़कर लिखे होते हैं, तब उनका जब ग्रहण किया जाता है तो उसमें और शब्द का प्रयोग किया जाता है। और का मतलब अलग करने वाले शब्द, माता तथा पिता, माता और पिता, माता एवं पिता, इस तरीके के शब्द लगा करके इनको हम विग्रह करते हैं। अगला चलते हैं हम कर्मधारय को। कर्मधारय में इसके चार भेद होते हैं। अब कर्मधारय समास होता क्या है ये हम आपको बता दें। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, पहला पद विशेषण होता है जो दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है और दूसरे पद की विशेषता बताता है। अब इसके चार भेद कौन कौन से होते हैं हम आपको बताते हैं, विशेषण और विशेष। अब विशेषण और विशेष का मतलब ये क्या हो गया, पहला पद विशेषण है जो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, ठीक। इसमें उदाहरण है नील कमल, नील कमल का मतलब ये नीला जो है ये विशेषण है, नीला रंग, क्योंकि आप जानते हैं जो शब्द विशेषता बताते हैं किसी व्यक्ति वस्तु की वो विशेषण होते हैं, तो ये विशेषण है नीला। अब ये नीला जो है ये विशेषण है और कमल जो है ये वस्तु है, तो कमल की विशेषता बता रहा है उसका रंग, उसके नीला होना उसका जो है ये इसकी विशेषता, यानी कमल जो है वो नीला है। तो क्या कैसे लिखेंगे, नीला है कमल जो, या जो कमल जो नीला है, इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं कि नीला है जो कमल या नीला कमल है जो, ठीक। दूसरा है कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प मतलब कृष्ण माने काला, तो काला है जो सांप या काला सांप है जो, पीतांबर पीला है वस्त्र जो, ठीक। अब उसके बाद उभय पद विशेषण होता है, उभय माने होता है दोनों, जब दोनों पदों में दोनों पद जो है विशेष होते हैं, विशेषण होते हैं, जब दोनों पद विशेषण होते हैं तब वहां पर उभय पद विशेषण कर्मधारय होता है। जैसे पीत कृष्ण, पीला और काला दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही विशेषण है, पहला पीत भी पीला भी जो है विशेषण है और कृष्ण भी विशेषण है। तो इस तरीके से उभय माने हो गया दोनों, जब दोनों पद विशेषण होते हैं तो उभय पद विशेषण कर्मधारय होता है। पीत कृष्ण, श्वेत रक्त, अब श्वेत भी विशेषण है और रक्त भी विशेषण है। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जो दोनों शब्द विशेषण होते हैं, यानी वहां पर उभय पद विशेषण होता है। तीसरा आपका आता है रूप,
रूपक का उदाहरण क्या होता है? रूपक माने होता है, हमने आपको जो समास पढ़ाए थे, अलंकार पढ़ाए थे, तो हमने आपको बताया था कि रूपक यानी जब किसी की भेद रहित आरोप होता है, जब किसी के साथ, तब वहां पर रूपक होता है। अब रूपक का उदाहरण क्या होता है? जैसे मुख कमल, यानी कमल रूपी मुख है जो, कमल रूपी मुख है जो, जो समय आएगा, जो ये कर्मधारय का एक विशेष पहचान बना लीजिए कि कर्मधारय समास में जो आता है, तो कमल कमल के समय कमल रूपी मुख है जो, तो ये हो गया मुख कमल। विद्या धन, धन है विद्या के सम, जो विद्या है धन जो, विद्या है धन जो। फिर अगला आता है उपमान कर्मधारय, उपमान यानी उपमा अलंकार आ गया। उपमा अलंकार में हमने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहां पे उपमान होता है। अब ये उपमान कर्मधारय आ गया। अब उपमान कर्मधारय में क्या होता है? जैसे घन श्याम, बादल कैसे हैं? श्याम यानी काले हैं, तो ये क्या कह रहा है कि सांवले घनश्याम यानी काले, काले हैं बादल जो, काले हैं बादल जो, उपमान कर्मधारय हो गया ना, कि वो बादलों की जो है वो तुलना की जा रही है किससे? काले होने से। बादलों की तुलना की जा रही है, जहां पर तुलनात्मक अध्ययन होगा वहां पर उपमान कर्मधारय होगा उस शब्द में। तो ये हो गया घनश्याम। उसके बाद चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में क्या है? चंद्रमा मुख है चंद्रमा के समान जो, मुख है चंद्रमा के समान जो, समय जो आ रहा है पहचान में आप रखिएगा। उसके बाद आता है आपका अगला समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा होता है व्याधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है कि समान होते हैं अधिकार, पीतांबर। अब ये आप कहेंगे पीतांबर इसमें भी आ गया है और पीतांबर आपने हमें कर्मधारय में भी बताया, तो हम आपको बता दें दोनों में अंतर करने का तरीका क्या है। अगर आप ऑप्शन में आता है कर्मधारय और तत्पुरुष जो आता है, लेकिन जो विग्रह दिया होगा उसके आधार पर आपको ये तय करना है। तत्पुरुष समास में क्या हो जाता है हम आपको बता दें, तत्पुरुष समास में कि जो विभक्तियां होती हैं उन विभक्तियों का रूप होता है। अब इसमें क्या होता है, विभक्तियां कारक चिन्हों के द्वारा पहचानी जाती हैं, कर्ता ने कर्म को करण से सब पढ़ाया था, तो इसमें पहला और अंतिम को छोड़ करके यानी प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और संबोधन को छोड़ दिया जाता है। अब देखिए इसमें उदाहरण देखिए, शरण प्राप्त यानी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, तो कौन सा हो गया? द्वितीय तत्पुरुष हो गया, शरण शरण को प्राप्त द्वितीय तत्पुरुष हो गया। इसी तरीके से हरि प्राप्त यानी हरि से प्राप्त, हरि से प्राप्त क्या है? तृतीय विभक्ति हो गई, तृतीय विभक्ति हो गई, यही तो क्या हो गया, तृतीय तत्पुरुष हो गया। अब जितनी विभक्तियां उन विभक्तियों के हिसाब से इसके यहाँ पर छह भेद और हो जाएंगे, यानी व्याधिकरण तत्पुरुष के छह भेद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पहला हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। एक एक उदाहरण मैंने सबका लिख रखा है, देखिएगा। दान पात्र, दान के लिए पात्र, के लिए किसमें आता है? चतुर्थी विभक्ति में। तो ये चतुर्थी विभक्ति जो है ये दान पात्र में है, यानी तो चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। इसके बाद चौर भय, चोर से डर से अलग होना, तो ये हो गया अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष। उसके बाद राज पुरुष, राजा का पुरुष यानी सैनिक, राजा का सैनिक, तो ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया, क्योंकि षष्ठी में आता है का की के, तो षष्ठी तत्पुरुष का की के हो गया। उसके बाद आता है कार्य कुशल, कार्य में कुशल, में आ गया सप्तमी तत्पुरुष का में पर ऊपर, तो ये सप्तमी तत्पुरुष यानी अधिकरण तत्पुरुष है, इसका सप्तमी तत्पुरुष भी कह सकते हैं। तो ये हो गया सप्तमी तत्पुरुष समास के भेद। अब इसके अलावा एक और तत्पुरुष होता है, वो होता है न तत्पुरुष। न तत्पुरुष क्या होता है? न तत्पुरुष
सृष्टि होता है, जब नकारात्मक शब्दों के साथ उसका अर्थ स्पष्ट होता है तब वहां पर न तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए अकुशल, अकुशल यानी जो कार्य में कुशल ना हो, ये नकारात्मक है ना हो, तो यहाँ पर ये न तत्पुरुष हो गया। अकुशल में इसी प्रकार से निरोगी, यानी जिसे कोई रोग ना हो, ना नकारात्मक अदृश्य जो दिखाई न दे। तो इस तरीके से ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। अब हम आते हैं बहुव्रीय समास। बहुव्रीय समास में क्या होता है? बहुव्रीय पर समास में ना पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कोई तीसरा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, वही प्रधान हो जाता है। दो शब्दों का योग तो होता है, समस्त पद तो जरूर होता है, लेकिन दोनों में से कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो दोनों शब्द किसी तीसरे का ओर संकेत करते हैं। तो जैसे आप इसमें भी क्या होता है, इसमें भी बहुव्रीय समास के लिए चार भेद हो जाते हैं। चार भेद कैसे हो जाते हैं? चार भेद ऐसे हो जाते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष हो जाता है, बहुव्रीय हो जाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष बहुव्रीय में क्या होता है, जब समान विभक्तियां हो जाती हैं, दोनों पदों में समान विभक्तियां हो जाती हैं, यानी दो से लेकर सात तक, यानी पहले पद में भी अगर द्वितीय है और दूसरे पद में भी द्वितीय है, तब वहां पर समान विभक्ति होगी, तो ये समानाधिकरण बहुव्रीय समास होगा। जैसे प्राप्तोदक, अब वो संसर्ग लिखे तो ओदकम, प्राप्तोदकम, तो ये इसमें क्या है, ये दोनों में प्राप्तम उदकम, प्राप्तम उदकम, तो ये दोनों में द्वितीय है, ये समान विभक्ति होने के कारण यहाँ पर समानाधिकरण है। उदय को जो प्राप्त हो, उदय को जो प्राप्त हो जाता है, ये से लब्ध कीर्तन, कीर्ति जिसका यश फैला हुआ, यदि प्राप्त करना, कीर्ति जिसने प्राप्त कर ली है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों में लब्धम कीर्ति, तो ये हो गया समानाधिकरण बहुव्रीय समास। उसके बाद होता है व्याधिकरण। अब आप कहेंगे हमने समानाधिकरण और व्याधिकरण तत्पुरुष में भी सिखाया और बहुव्रीय में भी सिखा रहे हैं, लेकिन अब आपको इसमें सीखना क्या है, इसमें क्या था, देखो दोनों अंतर फिर से समझ लीजिए कि इसमें क्या हो जाता है, विभक्तियों का लोप हो जाता है व्याधिकरण, इसमें विभक्तियों का लोप नहीं होता है, इसमें क्या हो जाता है, समान विभक्तियों का दोनों पदों में प्रयोग किया जाता है समानाधिकरण में, और इसमें क्या होता है व्याधिकरण में क्या हो जाता है, इसमें असमान विभक्तियां होती हैं, यानी पहले पद में कोई और विभक्ति होगी और दूसरे पद में कोई और विभक्ति होगी, वहां पर व्याधिकरण बहुव्रीय समास होता है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यानी चंद्रमा है जिसके शिखर में, चोटी में, चंद्रम शेखर, तो यहाँ पर हो गया चंद्रमा शिखर पर है जिसके, दोनों अलग विभक्ति, चक्र पाणि, चक्र और पाणि, चक्र और हाथ, यानी चक्र चक्रम पाणि, इसमें लगे विसर्गे पाणि में, और चक्रम द्वितीय विभक्ति होगा, ये एक विभक्ति का हो गया, प्रथम विभक्ति होगा पाणि हाथ, तो ये द्वितीय विभक्ति हो गया, ये प्रथम विभक्ति हो गया, दोनों असमान विभक्तियां हैं। इसमें भी क्या हो गया, चंद्रम चंद्र शेखरम, चंद्र शेखरम, यानी चंद्र एक वचन हो गया और शेखर द्विवचन हो गया, यानी दोनों असमान विभक्तियां होने के कारण यहाँ पर व्याधिकरण बहुव्रीय समास हो रहा है। तीसरा आपका आता है तुल्य योगम। तुल्य योग में क्या होता है, साथ के लिए, जब किसी शब्द के साथ में, किसी शब्द में सह के लिए या साथ के लिए सह शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब वहां पर तुल्य योग बहुव्रीय समास होता है। कौन सा होता है, तुल्य योग बहुव्रीय समास होता है, इसमें सा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सपुत्र, पुत्र के साथ, साथ के लिए प्रयोग करेंगे कि आपको पता है सा का प्रयोग किया जाता है, तो पुत्र के साथ, सभार्या पत्नी के साथ, तो जहां पर साथ के लिए सा शब्द का प्रयोग कर दिया जाए वहां पर तुल्य योग बहुव्रीय समास होता है। उसके बाद आता है चौथा अंतिम व्यतिहार। व्यतिहार में क्या होता है, युद्ध अथवा जब झगड़े का वर्णन किया जाता है उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनमें जब बहुव्रीय समास होता है किसी और के लिए, दंडा दंडी, यानी क्या झगड़ा हो रहा है, काहे से हो रहा है, डंडे और लाठियों से, डंडे और लाठियों से कर कोई रहा, कोई तीसरा कर रहा है, ये डंडे और लाठी आपस में झगड़े नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बताया गया तीसरा
अभी हमने आपको बताया था, तो डंडे और लाठियों से तीसरा पद हो गया कर रहा है उसके लिए। हाथा पाई, हाथ और पैर चल रहे हैं, चला कौन रहा है, कोई तीसरा, हाथ पैर आपस में नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर विधिहार बहुव्रीहि समास होगा। तो ये हो गए आपके समास के सारे थे। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपके कक्षा 9, 10 और 12 में ये समास जो बताए गए हैं सारे के सारे नहीं हैं। इसमें आपको केवल अपने पाठ्यक्रम के अनुसार समासों का चयन करना है और उतना ही आपको याद करना है, चाहे वो कक्षा 9 का हो, चाहे वो 10 का हो। 12 वालों के लिए तो सारे हैं, 12 वाले तो सारे पढ़िए, लेकिन 9 और 10 वाले अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ही समासों का चयन करेंगे और उतना ही याद करेंगे, उन्हें सारा कॉपी में भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ही कॉपी में लिखें।